सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। और 18 मेगापिक्सल तक का रेजोल्यूशन यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल हाईटेक इन्फो में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर आए हैं और आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं एक 18 मेगापिक्सल का डिजिटल कैमरा जिसकी कीमत है मात्र 1500 यानी कि 1500 इंडियन रुपीस। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस डिजिटल कैमरा की कीमत है मात्र 1500 इंडियन रुपीस। तो दोस्तों, इस कैमरे को मैंने ऑनलाइन परचेस किया है। अगर आप भी इस कैमरे को परचेस करना चाहते हैं तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दे दूंगा। तो कमेंट सेक्शन और वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से आप सब लोग इस कैमरे को डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, विदाउट एनी डिले चलिए अब हम इस बॉक्स को ओपन करके देख लेते हैं इस बॉक्स के अंदर हमको क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों, इस पाउच के अंदर हमारा डिजिटल कैमरा है, इसको अभी हम साइड में रखते हैं और देख लेते हैं इसमें हमको क्या क्या एक्सेसरीज मिलती है। इसमें दोस्तों हमको एक यूजर मैनुअल मिलती है इस कैमरे के साथ, साथ ही यहां पर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन सीडी दी गई है। यहां पर हमको एक यूएसबी केबल भी मिल जाती है और साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक स्ट्रैप भी हमको दिया गया है कैमरे को अटकाने के लिए, और यहाँ पर हमको एक वॉल ब्रिक अडाप्टर भी मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पर हमको इस डिजिटल कैमरे के साथ ये पाउच भी मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमको इस कैमरे के साथ ये सभी एक्सेसरीज मिल जाती है। इसमें हमको एक यूएसबी अडाप्टर मिल जाता है, स्ट्रैप मिल जाता है, USB केबल मिल जाती है, यूजर मैनुअल मिल जाता है, सॉफ्टवेयर CD और साथ ही ये कैरी पाउच। सो गाइस, लेट्स कीप ऑल दिस एक्सेसरीज असाइड। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि आपको इस कैमरे के साथ क्या क्या एक्सेसरीज फ्री मिलती है। अब मैं आपको इस कैमरे का ओवरव्यू दिखा देता हूं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कैमरे के फ्रंट से। तो फ्रंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे कैमरे की ब्रांडिंग दी गई है और साथ ही यहाँ पे क्लियरली मेंशन है 18 मेगापिक्सल। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 18 मेगापिक्सल का एक कैमरा है और यहाँ पे दोस्तों लेंस दिया गया है इस कैमरे का और यहाँ पर सेल्फ पोर्ट्रेट मिरर आपको मिल जाता है और साथ ही यहाँ पे सेल्फ टाइमर LED दिया गया है और यहाँ पे फ्रंट में आप फ्लैश भी देख सकते हैं, यहाँ पे LED फ्लैश आपको मिल जाता है। तो दोस्तों ये था इस कैमरे का फ्रंट ओवरव्यू। अब हम देख लेते हैं इस कैमरे के बैक साइड में। तो इस कैमरे के बैक साइड में दोस्तों आपको 2.7 इंचेस की TFT डिस्प्ले मिलती है और साथ ही यहाँ पे दो मल्टी फंक्शनल बटन दिए गए हैं और यहाँ पर एक ऑप्टिकल बटन आपको मिल जाता है और यहाँ पर सेंटर में आपको मेन्यू बटन मिल जाता है। तो दोस्तों ये था इस कैमरे का बैक पोर्शन। अब हम इस कैमरे का बॉटम पोर्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर बॉटम में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कैमरा सी स्टैंडर्ड सर्टिफाइड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सी स्टैंडर्ड सर्टिफाइड कैमरा है ये। तो दोस्तों ये था कैमरे का बॉटम पोर्शन। अब हम इस कैमरे का राइट पोर्शन देख लेते हैं। कैमरे के राइट पोर्शन में आपको मैक्रो फार स्विच दिया गया है और यहां पर एक USB जैक आपको मिल जाता है। तो गाइस, ये था इस कैमरे का राइट पोर्शन। अब हम इस कैमरे का लेफ्ट पोर्शन देख लेते हैं। इस कैमरे के लेफ्ट पोर्शन में आपको एक स्ट्रैप होल मिल जाता है और उसके नीचे ही यहां पे एक स्लॉट दिया गया है जिसमें आप बैटरी और साथ ही मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। तो इस स्लॉट को ओपन करने के लिए आपको इसको हल्का सा नीचे ड्रैग करना होगा इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं ये ओपन हो गया है। तो यहाँ पे दोस्तों एक बैटरी लगी है और उसके नीचे ही यहाँ पे एक SD कार्ड यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसको ओपन करने के लिए आपको इस प्रकार से इसको हल्का सा ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं बैटरी अपने आप बाहर आ गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपको 550 mAh की बैटरी मिल जाती है। दोस्तों ये एक लिथियम बैटरी है 550 mAh की और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक SD कार्ड भी यहाँ पे लगा हुआ है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये 32 GB का SD कार्ड मैंने परचेस किया है। इस कैमरे के साथ आपको SD कार्ड नहीं मिलता है और ये कैमरा 32 GB तक SD कार्ड सपोर्ट करता है। तो ये SD कार्ड यहाँ पे मैंने खुद परचेस किया है। तो दोस्तों ये था इस कैमरे का लेफ्ट पोर्शन। अब हम देख लेते हैं इस कैमरे का टॉप पोर्शन। तो इस टॉप पोर्शन में यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक माइक्रोफोन दिया गया है और साथ ही इसके बगल में यहाँ पे पावर ऑन ऑफ की आपको मिल जाता है और उसके बगल में ही दोस्तों यहाँ पर एक शटर बटन दिया गया है। तो दोस्तों ये था इस कैमरे का टॉप ओवरव्यू।
तो गाइस इस कैमरे को ऑन करने से पहले मैं आपको इस कैमरे के कुछ की फीचर्स बता देता हूँ। जैसे कि इस कैमरे में आपको 2.7 इंच की TFT LCD मिल जाती है, साथ ही इस कैमरे में आपको 8x डिजिटल जूम मिल जाता है, इसमें एंटी शेक फंक्शन दिया गया है, फेस डिटेक्शन आपको मिल जाता है, स्माइल कैप्चर इस कैमरे में दिया गया है, साथ ही साथ इसमें आपको कॉन्टिन्यूस शॉट भी मिल जाता है। और ये कैमरा दोस्तों 32GB तक SD कार्ड सपोर्ट करता है। तो दोस्तों चलिए अब हम इस कैमरे को ऑन करके देखते हैं कि ये कैमरा कैसे वर्क करता है। तो इस कैमरे को ऑन करने के लिए आपको इस पावर ऑन ऑफ की को दबाना होगा। तो एज यू कैन सी यहाँ पे कैमरा ऑन हो चुका है। तो यहां पर दोस्तों हम देख लेते हैं सबसे पहले कि कौन से की का क्या यूज है। तो इस की को दबा के आप जूम इन कर सकते हैं और इस की को दबाकर आप जूम आउट कर सकते हैं। और इस ऑप्टिकल बटन के टॉप को अगर आप दबाते हैं तो यहाँ पर आप फ्लैश को ऑन ऑफ कर सकते हैं और यहाँ पर आपको रेड आई रिडक्शन भी मिल जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस कैमरे से इमेज क्लिक करने के लिए आपको इस बटन पे क्लिक करना होगा, शटर बटन पे आपको क्लिक करना होगा। तो हमने इस कैमरे से इमेज क्लिक कर ली है, आप देख सकते हैं इस शटर बटन पे क्लिक करके। आपने देखा दोस्तों यहाँ पर कि इमेज क्लिक करते ही साथ साथ यहाँ पे इमेज रेडी हो गई है। तो हमने जो अभी इमेज क्लिक करी है वो इमेज हम यहाँ पर देख सकते हैं इस राइट ऑप्टिकल बटन को दबा के। तो दोस्तों ये कुछ इमेजेस है जो मैंने क्लिक करी थी इस कैमरे से। और इस कैमरे में वीडियो मोड ओपन करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा, इस डाउन वाले बटन पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो मोड यहाँ पे ओपन हो गया है और यहाँ से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। वीडियो को स्टॉप करने के लिए आपको दोबारा से इस वाले डाउन बटन पे क्लिक करना होगा। और इस लेफ्ट वाले ट्रैक पैड पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप डिफरेंट मोड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस मेन्यू बटन पे दोस्तों अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप काफ़ी सारे ऑप्शंस देख सकते हैं। यहाँ पे सीन आप देख सकते हैं, सीन में यहाँ पे ऑटो मोड है, यहाँ पे नाइट पोर्ट्रेट है, नाइट सीनरी है, पोर्ट्रेट है, और यहाँ से आप मेगापिक्सल भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप VGA से लेकर 2 मेगापिक्सल, 3 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, 7 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 10 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल, 14 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल और 18 मेगापिक्सल तक का रिजोल्यूशन यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों अगर आप इसको राइट में थोड़ा और देखें, यहाँ पे आपको एंटी शेक का फीचर भी मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एंटी शेक फीचर को हम ऑन कर लेते हैं। तो इस एंटी शेक फीचर की मदद से दोस्तों अगर आपका कैमरा हल्का सा हिलता भी है तो इमेजेस ब्लर नहीं होती है, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है इस कैमरे में। और यहाँ पे आपको फेस डिटेक्शन भी मिल जाता है। और इस कैमरे में दोस्तों आपको स्माइल कैप्चर का ऑप्शन भी मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डिजिटल कैमरे में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं और यहाँ पर कॉन्टिन्यू शॉट का भी ऑप्शन दिया गया है। और यहाँ पर दोस्तों आप 10 सेकंड्स तक का सेल्फ टाइमर भी लगा सकते हैं और यहाँ पर आप इस कैमरे का एक्सपोजर बढ़ा या घटा भी सकते हैं। आप यहाँ पर ISO चेंज कर सकते हैं, वाइट बैलेंस, शार्पनेस, क्वालिटी, साइज, डेट, ऑटो पावर ऑफ, लैंग्वेज, फ्रीक्वेंसी, बीप साउंड, फॉर्मेट, डिफॉल्ट सेटिंग। यहाँ पे दोस्तों काफ़ी सारे फीचर्स दिए गए हैं इस कैमरे के अंदर आपको। तो दोस्तों मात्र 1500 रुपये यानी कि 1500 इंडियन रुपीज़ में आपको ये ज़बरदस्त कैमरा मिल जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ इस कैमरे की कीमत मात्र 1500 इंडियन रुपीज़ यानी कि मात्र 1500 रुपये है, लेकिन दोस्तों फीचर्स के मामले में ये कैमरे महंगे से महंगे कैमरे को टक्कर देता है। और इस कैमरे में दोस्तों आपको 3.0 का अपर्चर मिल जाता है जो कि इंडोर लाइटिंग में इतनी अच्छी इमेजेस क्लिक नहीं करता है, लेकिन दोस्तों आउटडोर लाइटिंग में ये कैमरा आपको जबरदस्त इमेजेस क्लिक करके दे सकता है। तो दोस्तों अगर आप भी इस लाजवाब कॉम्पैक्ट डिजिटल कैमरे को परचेज करना चाहते हैं तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कॉमेंट सेक्शन में इसका परचेजिंग लिंक शेयर कर दूंगा। तो कॉमेंट सेक्शन और वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से आप सभी इस लाजवाब कैमरे को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कैमरा कुछ इस प्रकार के पाउच में आता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैमरा काफ़ी इजी टू होल्ड है, काफ़ी लाइट वेटेड कैमरा है। इस कैमरे की वेट दोस्तों मात्र 100 ग्राम है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये कैमरा काफ़ी कॉम्पैक्ट है, आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं अपने पॉकेट में रख के। तो दोस्तों मात्र 1500 यानी कि 1500 रुपये में आपको ये 18 मेगापिक्सल का डिजिटल कैमरा यहाँ पर मिल रहा है।
इसका परचेजिंग लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, उस लिंक से आप इस कैमरे को परचेज कर सकते हैं। वैसे दोस्तों आई होप आज के वीडियो आप सभी के लिए जरूर हेल्पफुल होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपके कोई भी सुझाव है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप इस वीडियो के नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूबल कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी कभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस वीडियो के नीचे देखे लाल कलर के सब्सक्राइब का बटन को अभी कभी दबा देना है, और आप सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख सकें। तो दोस्तों नमस्कार।